हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए तरीके के स्टफ्ड पराठे बनाएंगे। इसमें स्टफिंग एकदम अलग है, ये बहुत ही चीज़ी और टेस्टी बनेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ये हमने एक बोल ले लिया है, इसमें हम अब 2 कप आटा डालेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा नमक। नमक हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमारी स्टफिंग में भी नमक है। अब हम पानी डालकर आटा गूंद लेंगे। हमें डो ऐसा ही तैयार करना है जैसा कि हम नॉर्मल रोटी या पराठे का तैयार करते हैं। ये हमारा डो तैयार हो गया है। इस पे थोड़ा सा घी लगा देते हैं और इसको 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। इतने हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप मोज़रेला चीज़ लिया है। अगर आपके पास क्यूब्स हैं तो आप उसको ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1/2 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1/2 कप ग्रेट करी हुई गाजर, 1 कप बारीक कटा हुआ पनीर, 1/2 कप बॉइल्ड कॉर्न्स और 4 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस। अब एक बोल लेंगे। अब पिज़्ज़ा सॉस को छोड़कर इन सभी को एक बोल में डाल लेंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून ओरिगेनो और स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालते समय थोड़ा ध्यान रखें, चीज़ और पिज़्ज़ा सॉस में नमक होता है। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे और एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। ये हमारा आटा तैयार हो गया है। थोड़ा सा आटा हाथ में लेंगे और उसकी गोल लोई बना लेंगे और इसको सूखा आटा लगाकर बेल लेंगे। बेलते समय इस बात का ध्यान रखेंगे हम कि किनारों से ये थोड़ा सा पतला हो और बीच से थोड़ा सा मोटा। ये हमने अपना पराठा बेल लिया है और अब हम इसके सेंटर में स्टफिंग रखेंगे। इसके साइड्स पे पानी लगा देंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको ट्रायंगल शेप देंगे। आप चाहें तो इसको किसी और शेप में भी बना सकते हैं। इसकी साइड्स को हम अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। यहाँ हमने तवा गरम कर लिया है और अब इसको लो से मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। इसके साइड्स थोड़े से दबा देंगे। थोड़ी देर में हम इसको पलट देंगे। ये देखिए हमारा पराठा एक तरह से सिक गया है और अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसको दबा दबा कर उलट पलट कर अच्छी तरह से सेक लेंगे। ये हमारा पराठा सिक के तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के पराठे भी अपने तैयार कर लेंगे। मैं एक पराठे को काट के दिखाती हूँ। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे बने हैं। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आप भी ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।